सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन को और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। इंडियन कोस्ट गार्ड में 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट अभ्यर्थियों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगर आप भी इच्छुक हैं इंडियन कोस्ट गार्ड में आवेदन करने के लिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ यहां पर इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या फिजिकल रहेगा, क्या आयु सीमा होगी और कैसे आप इसके लिए आवेदन करेंगे, इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखते रहें, अगर आपने स्किप किया तो आपसे कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी, इससे आप सभी बातें नहीं समझ पाएंगे। तो वीडियो को देखें, सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप 26 जनवरी 2020 से कर पाएंगे और ये आवेदन आप कर पाएंगे 2 फरवरी 2020 तक केवल, ठीक है। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो 15 से 20 फरवरी 2020 तक अवेलेबल रहेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और इसका एग्जाम आपको मार्च में देना होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आप आवेदन करते हैं तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी होगी। एज लिमिट की अगर हम यहां पर बात करें तो मिनिमम आयु आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम 22 वर्ष तक के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे, यानी कि 1/8/1998 से 31/7/2002 के बीच में आपकी आयु सीमा यानी कि डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी डिटेल्स की अगर हम बात करें तो केवल 10+2 यहां पर आपको पास होना चाहिए, कम से कम लेकिन 50% अंक होने चाहिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। और सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, मैथ सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट होना यहां पर अनिवार्य रखा गया है। अब बात करते हैं फिजिकल डिटेल्स की। तो अगर हाइट की बात करें यहां पर तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट आपकी होनी ही चाहिए। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। स्क्वाट अप्स की बात करें तो 20 टाइम आपको यहां पर करने होंगे, और पुशअप की बात करें तो 10 टाइम्स यहां पर आपको करने होंगे, ये सब क्वालिफाइंग रहेंगे। टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 260 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जनरल को 113 दी गई हैं, ओबीसी को 75, ईडब्ल्यूएस को 26 और एसटी को 33, एसटी को 13, कुल 260 यहां पर वैकेंसीज हैं। जो अभ्यर्थी आवेदन करने के इच्छुक हैं वो इस पेज पर आ सकते हैं, इस पेज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 26 जनवरी 2020 से आप इसके लिए यहां पर आवेदन करेंगे, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए इस पेज को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, यहां से आपको तुरंत जॉब आते ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट आपको ये है, यहां से आपको आवेदन करना होगा लिंक एक्टिवेट होने पर, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में देखिए कुछ यहां पर आपको निर्देश देखने को और मिल जाएंगे, बाकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको अच्छे से डिटेल से समझा दी है, आपको और यहां पर एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं मिलने वाली है। यहां पर सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको एग्जाम सेंटर मिल जाएगा कि कहां कहां पर आप एग्जाम दे सकते हैं, ये सभी चीजें आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे मिल जाएंगी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो एग्जाम सेंटर है वो यहां पर किस जिले में, किस राज्य में, कितने जिलों में एग्जाम होगा वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग हर राज्य में एग्जाम कराया जाएगा, तो ये आपको जानकारी इस पीडीएफ फाइल से मिलेगी। पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करेंगे इस ऑफिशियल पेज से, ठीक है। और कोई अगर आपको समस्या है, कोई और आपको जानकारी चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने साथियों के साथ, अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और इसी तरह के लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए।